हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल। सो यू मैं टीचर फ्रॉम श्रीराम अकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टूडेज टॉपिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 9.1 को सर नंबर फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ में दिया हुआ है, ए नंबर में सब्ट्रैक्ट 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a-9ab प्लस 5b-3। आपको एक चीज़ पता है, सब्ट्रैक्ट में जब कोई फ्रॉम लगा होता है तो सेकेंड वाले जो नंबर्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो फर्स्ट में आते हैं। एंड फर्स्ट वाले किस में जाते हैं? लास्ट में जाते हैं। इसके पहले भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्लास सेवन्थ में आपने इस टाइप क्वेश्चन किया और सॉल्व भी कर चुके हैं। वो आपको मैं रिवाइज भी यहाँ पे करवा देता हूँ और आपसे ये इजीली बनने भी लगेगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व करेंगे। ए नंबर सॉल्व हो रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट में ये नंबर आपको पहले आ जाएगा। ये नंबर क्या करेंगे हम, इसको पहले कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए सब्ट्रैक्ट में 12a-9ab प्लस 5b और -3। अब आपको क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है? माइनस होता है। जैसे आप माइनस लगाते हैं तो माइनस के बाद के जितने भी यहाँ पे सिंबल होते हैं वो सब क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो माइनस के बाद आपको सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12। अब देखिए जहाँ से माइनस लगा हुआ है उसके बाद जो ब्रैकेट लगा हुआ है, आप ऑलवेज आपको हमको यही करना है, जब कभी माइनस कभी चेंज हो यहाँ वहाँ, जब बीच में माइनस हो और जब इसको सब्ट्रैक्ट में चेंज कर दें तो और जिसके यहाँ पे सैम्पल होते हैं सब यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 12a-9ab प्लस 5b-3। तो सैम्पल यहाँ के क्या होंगे? ऑल चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस 4a, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7ab ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का इससे मल्टीप्लाई होता है, सैंपल सब होते हैं चेंज। अब देखिए यहाँ पे a है और कहीं भी ओनली सिंगल a है क्या? सिंगल a यस यहाँ पे है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और माइनस है, तो 12 में हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8a आ जाएगा। अब हम दूसरा साइन देख लेते हैं। दूसरे साइन में देखिए क्या है, अल्फाबेट में क्या है? ए बी है। और यहाँ कहीं भी ए बी दिया हुआ है? यस यहाँ पे भी ए बी दिया है, बट ये 9 माइनस में है और ये किस में है? प्लस में। तो 9-9 को आप सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। अब बी में देखते हैं, ये यहाँ पे बी है और कहीं भी यहाँ पे बी है क्या? यस ये यहाँ पे भी है। तो देखिए 5 है और यहाँ पे माइनस 3 है, तो 5 में आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? प्लस 2 आ जाएगा। 2 और वेरिएबल्स क्या होंगे? बी लगेगा यहाँ पे अल्फाबेट। ये अब बचा क्या आपका? नंबर और नंबर, यहाँ पे -3 और -12, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होता है प्लस और ये हो जाएगा -15। ये आपका क्या हो गया आंसर? ये कंप्लीट हो गया। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको ये सी नंबर बता देता हूँ, ये लॉन्ग है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है? सेम आपको उसी मैथड से इसको भी हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? लास्ट वाले जितने भी नंबर होंगे वो किस में आ जाएंगे? फर्स्ट में आ जाएंगे। एंड फर्स्ट वाले किस में चलेंगे? लास्ट में। तो यहाँ से आप राइट कर दीजिए क्या है यहाँ पे, देखिए 18-3p-11q प्लस क्या है देखिए 5pq-2pq² + 5qp² q। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस। और यहाँ पे जितने भी साइन होंगे सब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या है देखिए 4pq-3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। ये हो गया, ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ के जितने भी साइन होंगे सब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कर दीजिए यहाँ पे राइट कीजिए 18-3p - 11q + 5pq। यहाँ पे हम अभी कोई चेंजेस नहीं करें, चेंजेस यहाँ पे होगा -2pq² + 5p² q। तो माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4p² q, माइनस है तो प्लस 3pq, अगेन यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा 5p² 5, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, प्लस 8p, ये भी प्लस है तो यह आ जाएगा -7q, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस।
अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए वेरिएबल्स और नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे नंबर दिया तो नंबर देख लीजिए, ओनली नंबर्स कहाँ पे है 18 है, और कहाँ पे नंबर है यहाँ से देखिएगा ओनली 10 में है, तो 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 हमने ऐड कर लिया। अब देखिए ओनली हमको पी देखना है, यहाँ पे भी पी है और देखिए कहाँ पे पी है, इसके अलावा ओनली पी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पी, यस यहाँ पे पी है, ये यहाँ पे भी पी है, बट ये किस में है, निगेटिव में है, -3 है, और ये क्या है प्लस 8 में है, तो 8 को हम 3 में सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, कर देते हैं प्लस 5 क्योंकि बड़ी डिजिट किस में है प्लस में है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं क्यू, क्यू देखिए यहाँ पे और कहाँ पे है, यहाँ पे क्यू, ओनली क्यू यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्यू है, यस मतलब यहाँ पे क्या है -11 है और -7, -11 -7 क्या होता है -18 होता है, तो -18 क्यू हो जाएगा। देखिए पी क्यू, पी क्यू अब कहाँ पे है, ओनली पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर नहीं ओनली पी क्यू होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पी क्यू, ये यहाँ पे भी पी क्यू है, अब कहीं भी नहीं है, तो देखिए ये भी प्लस 5 है और ये प्लस 3 है, तो प्लस 5 प्लस 3 क्या होता है प्लस 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8 पी क्यू। अब नेक्स्ट देखिए पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कहाँ पे है, तो ये पी स्क्वायर क्यू है, ये भी नहीं है पी स्क्वायर क्यू, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पी क्यू स्क्वायर, यस ये देखिए यहाँ पे है पी है सिंगल है और क्यू स्क्वायर है, ये -2 है और -5 है, तो -2 -5 क्या होते हैं -7 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 पी क्यू स्क्वायर -2 और -5। अब कहाँ पे आएंगे पी स्क्वायर क्यू, देखिए पी स्क्वायर क्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, ये भी प्लस में है और ये मतलब +5 है -5 है, तो 5 में आप 4 को सेपरेट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और बाई डिजिट में क्या है प्लस है, तो 1 पी स्क्वायर क्यू, आप यहाँ पे 1 राइट भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन बचेंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, इसी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जितने आपके बुक में जो एग्जांपल दिए उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट।